सर इनका सोलो कर लो पहले सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए सॉरी सर पहले राइट ठीक है पहले राइट लिख देते सर अभी सेंटर दे दो लुक यस सर थैंक यू सर अभी लेफ्ट रख दो भाई सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे सर यहाँ पे भाई आप लोग सबको सपोर्ट करना है न्यू कमर है अपना बच्चा है सेंटर सेंटर आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा पहले तो एनर्जेटिक थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली रियली फीलिंग ब्लेस्ड कि डेब्यू फिल्म है एंड मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ बॉलीवुड मेरे को लॉन्च कर रहे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है एंड हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि 70 mm में आए तो वो आज अब पूरा होएगा एंड ड्यू टू पेंडेमिक वो लग रहा था कि अब शायद हम डिजिटल ना चले जाए तो बस आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रोड्यूसर्स कि वो एक न्यू कमर को एक ऐसे चांस देते हैं जो और वो भी थिएट्रिकल का जो आज के टाइम में पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा रिस्की भी रहता है बट स्टिल द सिनेमा लवर्स विल गो एंड ये फिल्म का जैसे आपने ट्रेलर देखा होगा ये बनी ही थिएट्रिकल के लिए थी तो लकीली आज हम इस स्टेज पे आए कि हम ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं एंड 18th को फिल्म भी आउट है ऑल इंडिया रिलीज सो आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर मोहम्मद उरानी सर जो न्यू कमर्स पे अच्छा खासा रिस्क लेते हैं और वो भी आज के टाइम की थिएट्रिकल रिलीज पे तन्मय इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर वेरी टैलेंटेड एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट ही इज वर्क्ड नॉट ओनली एज एन एक्टर बट ही इज आल्सो द प्रोड्यूसर एंड आई थिंक ही इज आल्सो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बट ही इज वर्क वेरी हार्ड नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द मूवी आल्सो सो दैट्स बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आदमी को सीखना चाहिए फ्रॉम द रूट्स So from right from shooting to editing to mixing, he's been on everything himself. So that is a very very good quality of an actor to be. So aaj trailer launch hai, Misha ka gana, Patti, which is coming out tomorrow, yes. but wo bhi abhi dikhayenge. So jo pehla gana tha Sayonee, Arijit ki awaaz mein tha. That has combined views more than 30-35 million. Already 3 weeks ho chuke sirf. और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है दैट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म और अब सेकंड गाना मिक्का सिंह का है और थर्ड गाना हमारा है सचेत टंडन का सचेत टंडन जो बेख्याली वाला है उसने किया है फोर्थ बीप राग इज संग वन सॉन्ग एंड देन वी हैव यू हैव अ नूरान सिस्टर जो आपने ट्रेलर में थोड़ा उनका आवाज का झलक भी सुना सिस्टर्स ने सयोनी का एक साइड वर्जन किया है वो भी बहुत बढ़िया गाया है तो द फिल्म का म्यूजिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है एंड तन्मय भी बहुत अच्छा गया है बाकी तो ऑडियंस के ऊपर होता है कि अप्रिशिएट होता है नहीं होता है पैंडेमिक में अब व्हाइल द पैंडेमिक इज ऑन चल रहा है थोड़ी भी थिएट्रिकली रिलीज जो 18 दिसंबर को हो रही है सो इजंट इट अ ह्यूज मिस दैट वी आर गोइंग एंड हाउ मेनी थिएटर्स आर वी रिलीजिंग इट सी राइट नाउ वी आर लुकिंग एट 200 थिएटर्स बट सम डिस्ट्रीब्यूटर्स मीटिंग इन द इवनिंग दे वांट टू इंक्रीज द स्क्रीन सो वी आर इन टॉक विद देम Yeah, so we might go for more, even 200 more screens right now. Because they are just testing the waters right now, how many theaters have opened,
इतने थिएटर खुले हैं, बिकॉज अभी क्या हुआ है कि इंदु की जवानी है फ्राइडे को, उसके इससे पहले ये वीक में टेनेंट करके इंग्लिश पिक्चर था, उसमें एडवांस बुकिंग भी लगी है और हाउसफुल शोज जा रहे हैं, तो वहां से वी गॉट मोटिवेटेड, तो मैसेजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं कि पिक्चर क्राउड आने लग गया है थिएटर में, तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी लेके हम सोलो रिलीज कर रहे हैं 18 को। मुरानी सर, योर फैमिली हैज बीन इन द फिल्म बिजनेस फॉर अ लॉन्ग, बट आप लोग जो बैकअप करते हैं हमेशा यू नो बिग स्टार्स, बिग बजट, तो ये फिल्म जो आप बैकअप कर रहे हैं, यू नो न्यू स्टार्स एंड एवरेज रेट फिल्म, रीजन क्या है, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है? नहीं, देखो क्या होता है कि टैलेंट को हमेशा बैकिंग दिया जाता है, और पिक्चर की कहानी अच्छी थी और एंड इट वाज अ रीजनेबल बजटेड फिल्म, और इसकी इट शॉट एक्सटेंसिवली इन रशिया, द हीरोइन ऑफ द फिल्म, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू मुस्कान सेठी, हेलो मैडम, वेलकम, प्लीज कम, हाय गाइस, फिल्म बेसिकली शॉट एक्सटेंसिवली इन रशिया, गाने दुबई में और दिल्ली में और बॉम्बे में शूट हुई है, पंजाब में शूट हुई है, और बेसिकली ग्राउंडेड हीरो वर्ल्ड चैंपियन शूटर अभिनव बिंद्रा का रोल है बेसिकली, और इनकी गर्लफ्रेंड जो है वो किडनैप हो जाती है रशिया में, और ये कैसे जाता है और अपने लेडी लव के लिए, और दैट फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द फिल्म। Yes, very sorry, he is not part of the promotion, but Rahul Roy is in hospital, he had a stroke in shooting for a film in Kargil, and we wish him all the best, and he is very very keen, or he was very very keen on this promotion, because Rahul Roy is in a very very different role, bahut different role mein hai, he is making a comeback like a very, bahut in a very good way. My character's name is Mahi, and she's very much like I am in real life. She's a happy-go-lucky, fun-loving girl, but there's a difference. She's an orphan, so she's had like a very tough kind of upbringing and things like that. And she falls madly, deeply in love with this boy, and then the rest you have to see. Yeah, Rajdeep Randhawa. The rest you have to see. But it's a lovely character, and you'll see a lot of shades of the character, from happy-go-lucky to bubbly to super emotional to violent to just like everything. So it's got a really nice graph, and it's definitely something that I've been really excited to play, and it's one of like my dream roles, so I'm really happy to play it. Tanmay, for your something related to your background, I mean, what kind of background do you come from, and how difficult or easy? So basically, I'm from Delhi, and मेरे को एक्टिंग का कीड़ा मंडी हाउस से ही लगा, जहाँ से सारे थिएटर आर्टिस्ट निकलते हैं। आई स्टार्टेड अप विद माय डूइंग थिएटर वर्कशॉप विद मिस्टर अरविंद गौर, जो रांझना जैसी मूवीज़ में भी उन्होंने सबको वर्कशॉप दिया था, सोनम कपूर, धनुष को, और वहाँ से मैंने नुक्कड़ नाटक से शुरू किया था मंडी हाउस से, तो वहाँ से बेसिकली आई स्टार्टेड अप डूइंग दैट थिंग, एंड इवन during the pandemic when our song also got released, so I started up doing that thing only. We went to Mira Road, Baikala, and all that, and with my theater group, and we performed Sayonee song. So yeah, that's my like, I'm from theater background, and with a decent family background. And you're getting backup by Murani sir, that's also very fortunate. I mean, every individual doesn't get that kind of backup initially, so what are you saying? यहाँ जितने भी और भी है, तो आई होप उनको भी देखे कि लाइक वी कैन डू इट, डजंट मैटर कि लाइक
वो जो भी डिबेट्स होती है वो मैटर नहीं करती. यहाँ मेहनत करो, काम करो, सबको मिलता है. किस्मत है कि कभी किसी को बाद में मिलता है, किसी को पहले मिलता है. सक्सेस मिलना आसान है, मेंटेन करना मुश्किल है. और बट ही वॉज वेन वी वर शूटिंग इन रशिया, आई वॉज शूटिंग विद हिम, ही ऑलवेज गाइडेड मी अ वेरी गुड कि लाइक ये नहीं करना है, ये करना है. जो गलतियाँ मैंने की है वो तू नहीं करेगा. तो वो उनका नेचर इतना अच्छा है कि कोई हद नहीं है. एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड मी एज एन एक्टर या एज अ कहीं भी कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम हो. सो या तो आई एम मिसिंग हिम, वी ऑल आर मिसिंग हिम. एंड बोथ ऑफ देम हैव डन बहुत अच्छा काम किया है पिक्चर में, बहुत मेहनत की है एंड वो पिक्चर में दिखता है. But I've done South Indian and Punjabi movies before. I have done a couple of music videos also with T-Series. My first Bollywood film was Paisa Vasool with Puri Jagannath sir. So he launched me. After that, I did another movie in South in Telugu called Ragala Evanalo Gantalu, which was directed by Srinivas Reddy Garu. I have two films coming up in South this year. One is called Mahaprasthanam and the other one is called Radha Krishna. So these are the projects. So basically it started from South only. I did one Punjabi movie called High and Yariya. So Tanmay, I think, got to know me through some coordinator in South, was doing some sari shoot brand. And then we met and then he recommended to the director that you should screen test her. So it's due to him that I'm here. There are many action sequences also. Yes, I have learned, I wouldn't say learned, but just practicing with the, what's that gun called? The gun. With like the heavy one. The rifles. The rifles and everything. Then I also learned how to ride a scooty on the main road. We have a lot of shots in which I'm doing, so I don't know how to ride a scooty, right? But I learned for the film. And other than that, there are some action sequences as well in the jungle. So that also we practiced and... खून पसीना वो जो हम कहते हैं वो रियल में दिया है. और काफी मतलब रियल में निकले. और द बेस्ट पार्ट इज सय्यूनी जो नाम है फिल्म का, जो टाइटल है, वो पहले से इतना पॉपुलर एल्बम बन चुका है, तो उसका कितना फायदा होगा इस फिल्म को? डेफिनेटली सर फायदा होगा. और सय्यूनी हमने इसलिए नहीं रखा क्योंकि वी गॉट द राइट्स ऑफ दैट सॉन्ग एंड ऑल दैट. हमारी पूरी जो फिल्म की कहानी है, जो पूरा स्टोरी लाइन है, वो उसके साथ पूरा मैच भी करता है. बिकॉज सय्यूनी मीन सोलमेट, जान से बढ़कर. And for like my character Raz, he's like, how far I can go for my soul. So that is the, like a basic crux of the movie. So yeah. And what's the vision for your future as a gentleman? Sir, touchwood, after the song jab ye release hua hai, uske baad kaafi projects aaye hain. I'm listening to it and I'm doing it. What about I also have another Bollywood project coming up, which is called Kya Masti Kya Dhoom, jo Chandrakant Singh sir ne direct ki hai. और उसमें मेरे ऑपोजिट है अभिषेक बजाज. तो मेरे तो अभी कुछ चीज़ें इतनी सारी लाइन अप है जो आने वाली हैं कि अभी मैं कुछ न्यू तभी साइन अप करूँगी जो वैक्सीन आ जाएगा, बिकॉज मेरी काफ़ी चीज़ें अभी रिलीज हो जाएंगी. सो आई एम नॉट वर्क्ड दिस ईयर मच. वी आर 90s किड, तो ऑब्वियसली सय्यूनी तो हमारे रग रग में रहे. क्योंकि मुझे याद है कि तब मेरे डैड ने उस वक्त 2000 में या 99 में वी गॉट अ सेंट्रो का, तब नई नई आई थी हुंडई की, तो मुझे याद है हम शोरूम से निकाल रहे थे. बट मैं पहले भागा हूँ एक कैसेट खरीदी, क्योंकि जो हम उस वक्त कैसेट आती थी, तो वो कैसेट लेके मैं सय्यूनी की ही खरीदी थी, मुझे इसलिए याद है. और जब गाने का राइट वगैरह हो गया, तब मैं थोड़ा एकदम वो साइकिल पे, रिवर्स साइकिल पे चला गया था कि लाइक कहाँ एक टाइम पे कैसेट खरीद रहा था, आज कहाँ एक टाइम पे मैं उस पे ही परफॉर्म कर रहा हूँ. तो सर कुछ भी हो सकता है. टोटली ब्लेस्ड एंड एक्सट्रीमली ओवरवेलम्ड, मोर बिकॉज अरिजीत सिंह सर हैज गिवन हिज वॉइस. दैट इज रियली लाइक अ ड्रीम कम, मोर देन इवन हैविंग अ रिक्रिएशन ऑफ अ सॉन्ग. दिस टी सीरीज इज यू नो रिक्रिएटिंग इट, दैट इज अ बिग थिंग. एंड अरिजीत सिंह सर हैज गिवन हिज वॉइस, दैट इज अ वेरी बिग थिंग. सो वेरी वेरी हैप्पी अबाउट दैट. Particular incident that you would like to narrate while shooting, you know, there's such lovely songs
डेजर्ट होएगा गर्मी में बेचारी वी हैड अ फन बेहोश होने वाली थी फन भी कह सकते हो पेनफुल भी कह सकते हो वी वर शूटिंग 4 AM वी वेंट टू द डेजर्ट बिकॉज़ वी वांटेड दैट लाइट एंड एवरीथिंग सो वी वेंट इन दुबई वी वुड गॉन टू द डेजर्ट सो वहां पे लिटरली हमारी लड़ाई हो गई थी बिकॉज़ आई टोल्ड हिम इफ यू डोंट गिव द शॉट आई विल फेंट जस्ट डू इट एंड फिनिश इट एंड लेट्स गो सो दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल थिंग बिकॉज़ we kept fighting only that day and it was just we were like ki karo 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 it was really difficult to do that but we also had a lot of fun because it was just like dunes and deserts and beautiful location so that's where we started the song Sayonee you must have seen the video usme jo clips hain so that was a fun day of shooting for sure mera sabse memorable incident rahega russia ka jo abhi baad mein aap bts jab niklenge tab dekh तो जो अभी आपने ट्रेलर में बॉम्ब सीक्वेंस देखा है तो वो रियल में बॉम्ब्स थे तो जब बॉम्ब कोऑर्डिनेटर जो रशियन थे एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम वहाँ बहुत था तो ही सेड लाइक दा 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 जस्ट डू इट दिस वे मैं ओके सो वी स्टार्टेड अप एंड देन सडनली वन बॉम्ब गलत फट गया था तो तब भी हमने शूट करते रहे जब पैकअप हुआ जब मेकअप क्योंकि मेरा ब्लड मेकअप भी था उस पर तो वो ब्लड वाकई में रुक नहीं रहा था क्योंकि वो रियल में यहाँ पूरे वो जो बॉम्ब्स के आप जैसे हम देखते हैं निकलते हैं पार्टिकल्स वो पूरे यहाँ चले गए तो काफी मतलब और पैर में भी तो हाँ एक गाड़ी के जो नीचे लटकने वाला है वहां पर मेरी डॉक्टर ने दस लिटिल फिंगर थे तो डॉक्टर ने एक टाइम पे बोल दिया था कि लाइक वी हैव टू कट इट क्योंकि वो लटकते थे वो गाड़ी उसने इंजन पूरा गर्म हो गया था नीचे एंड आई वॉज डाउन तो वो BTS निकलेंगे बट अब वो मेमोरेबल लगता है उस वक्त कुछ और लग रहा था कि कहाँ फंस गए बट आज मेमोरी है ये आई वुड लाइक टू से कि इट्स अ बिगेस्ट म्यूजिकल एक्शन थ्रिलर एक्सपीरियंस यू विल एवर गेट एंड ये बनी ही थिएटर्स के लिए थी प्लस यूनिक हमें सबका सपोर्ट चाहिए एंड बीइंग अ न्यूकमर्स वी डेफिनेटली नीड अ ऑडियंस सपोर्ट सो या प्लीज थिएटर में जाइए मास्क पहनिए सैनिटाइज करिए सोशल डिस्टेंसिंग रखिए बट जाइए जरूर आई थिंक नाउ वी आर ऑल गेटिंग यूज्ड टू द न्यू नॉर्मल तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि प्लीज स्टे केयरफुल बट ऑल्सो डोंट मिस आउट ऑन एंटरटेनमेंट गो एंजॉय द थिएटर एक्सपीरियंस इन द थिएटर वे इफ यू वॉच अ मूवी ऑन OTT इट डज नॉट हैव द सेम एक्सपीरियंस हाफ द टाइम वी आर डिस्ट्रैक्टेड वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड दिस मूवी इज अ सस्पेंस इट्स अ थ्रिलर इट्स अ एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ अ फिल्म यू हैव टू वॉच इट विद इंटरेस्ट सो इफ पीपल वॉच इट इन द थिएटर डेफिनेटली दे विल एंजॉय इट मोर देन वॉचिंग इट एट होम सो आई कैन ओनली रिक्वेस्ट एवरीबडी बट ऑफ कोर्स स्टे सेफ एंड डू एंजॉय द फिल्म थैंक यू Thank you. ओ सुलेमान भाई नीचे करो ना ऐसा फिट करेगा देखो ये दो मिनट ना पता भूल गया भाई दो मिनट और कर हो जाएगा तो पता बोलो सर इन जैसा का भाई चल पुलिस का देखो सर लुक हेलो सो आंसर इन द सेंटर वन जस्ट बोथ ऑफ यू टुगेदर वन ये भाई ये पारू जी सर थैंक यू लकी मुस्कान लकी सर सर अभी अभी आ रहा है अभी नहीं आ रहा हम आप ये साइड ही है थैंक यू सर या थैंक यू रियली न्यू आफ्टर इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम Thank you. It's
it's very, very exciting. And you know, when you walk in and have the media, you know, take your pictures and the frenzy, it feels like we're back to old times, and it feels like we're all back in action. And I hope the film industry is continues in the same manner now, and everything is back in action and like old times. So it feels really, really great. Finally, the release of a movie always feels like the birth of your baby. Like you've been planning it for so long and working on it and nourishing it, and then finally, when it reaches its zenith, and you know, when it's going to release, it feels like it's just like a dream. It's you know, you're just waiting for it to realize, and especially when they put in such hard work, Tanmay, Musskan, and they're looking absolutely stunning in the film. The music is awesome. Everything is so good, and it's really, really exciting, and we are all pretty kicked about it. Yeah. I would like to tell the audience one thing. They're newcomers, and we want you to encourage the newcomers. We want you to come to the theaters. We want you to watch the film. We want you to accept and embrace new talent from all over the country, talents that doesn't come from the film industry, talent that comes from various fields of life, and they take the plunge and they work really, really hard to give you their best. So we would love for you to embrace them with open arms. लॉकडाउन बस इसी इंतजार में बीता कि कब ये फिल्म रिलीज होगी कब ये लॉकडाउन खत्म होगी यस इसी का इंतजार था अब लॉकडाउन इज ओवर एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू नॉर्मल सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी और हम ये कदम ले रहे हैं फिल्म को रिलीज करने का और हम चाहते हैं कि सब कोई आए और ये फिल्म को देखे और अप्रिशिएट करे good things, big things, as big as this, or we try to get better with every step of the way, and a lot of genres and a lot of plans. Thank you, Rahul. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you so much. All I can say is Mohammed Bhai is a very smart guy. He's making hay while the sun shines. I think he's taking very bold steps to release his film at a time where theaters need it, and especially the industry needs it. And you know, these baby steps that everybody takes towards getting back to some kind of normalcy is excellent. Though I really wish him all the best. I hope his movie does well. I hope it pulls people to the theater, and I'm sure it will. The trailers are looking very commercial, and I think people are looking forward to getting back to their theaters with their boyfriends, girlfriends, families, I don't know, but let's see. I hope families go back soon as well. Good initiative, yeah. What can I say? It's been a tough time for everybody. I think the whole industry is looking forward to getting back on their toes, and you know, especially all of us are really waiting to go back and see Hindi movies in the theater. So yeah, it's just amazing to be here, and you know, amazing to see that sab log COVID se upar gaye hain, lekin fir bhi saavdhan rahiye. You know, I think that's important. Share hona zaruri hai, lekin saavdhani se. Does the song Sayonee bring nostalgia to you? Of course, of course. I mean, you know, this is quintessential Bollywood stuff. Every time you hear just the word Sayonee, you know, it always rings a bell to all those melodious music compositions that were there before. And I think, you know, Mohammed Bhai's film out here, and Lucky's film out here is hitting the point as far as commercial cinema is concerned, you know. I think there's an element of that beautiful, you know, Indianness that we all came from while watching movies growing up.
that is there in this film, and I wish the couple all the best. I think there's a lot of heart and soul, and you can see their youth is behind it. So good luck to them, and Mohammed bhai, why aren't you in the film, yeah? No, no. I'm always behind the scene. Let's go film mein rehna hai. You should be in always the film. Behind the scene. Come, you all want to see the song, guys? Come on. Come on, let's go. Let's go. Thank you very much. Thank you. वंडरवुमन आ रही है मुझे लगता है ये फिल्म तो एब्सोल्युटली बॉलीवुड टाइप की फिल्म है एंड आई लव दिस सॉन्ग सयोनी जो गाना है वो मतलब मेरा एक जमाने का फेवरेट गाना है एंड उसे वापस सुनने में बहुत मजा आता है थोड़ा इन्हें चेंज किया है वो गाना लेकिन फिर भी माइंड ब्लोइंग बना है एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट फिल्म्स आर बैक बहुत ज़रूरी है इंडिया में एक एंटरटेनमेंट का आई थिंक सबसे बड़ा जरिया फिल्म्स है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फिल्में थिएटर में फिर से लगने लग रही हैं मेरा बड़ा दिल था टेनेट जाके देखूं लेकिन उससे पहले मैंने देख ली और अब मैं वंडर वुमन जाके देखूँगा और ये भी देखूँगा एब्सोल्युटली आपको समझना पड़ेगा कि प्लीज़ ज़्यादा इससे आप डरे मत जो बहुत डर रहे हैं आई थिंक उनको ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और थोड़ी स्टीम ज़रूर लें जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता वैक्सीन भी आ ही गए हैं 5-6 आ गए हैं समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला किसको लगेगा लेकिन बी स्ट्रॉन्ग एंड डोंट गेट अफ्रेड जैसे हमें वायरल होता था वैसे ही कोविड है हानि आपको समझना पड़ेगा कंगना कभी कभी उनकी ट्वीट्स बहुत ही खतरनाक हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि वो सही चल रही हैं लेकिन हमें गलत लग सकता है और इस बार दलजीत को गलत लगा है दलजीत की पहली फिल्म मेरे साथ थी लाइन ऑफ पंजाब और तभी मुझे दिख रहा था इसमें बहुत फायर है उसने ट्वीट पर भी दिखा दिया कि बहुत फायर है एंड आपको समझना पड़ेगा हम पंजाबी हैं और हमें लगता है कि फार्मर्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो हम उन्हें सपोर्ट करें तो हम सपोर्ट करते हैं लेकिन हमें लगता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिस्ट्री जब से हम पैदा हुए हैं तब से मोदी जी जैसा हमने देखा नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो हम चाहते हैं कि मोदी जी इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हैं हमारे देश के अंदर जिस तरीके से पहले फार्मर्स सुसाइड करते जा रहे हैं तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी तो मोदी जी ऐसा काम करके दिखाएंगे कि कभी सुसाइड ना हो हमें पता है लेकिन ये जो प्रॉब्लम है जो दिल्ली तक पहुँच गई है इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए नहीं आपको समझना पड़ेगा क्या होता है कि जब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी को तो वो ट्वीट कर देते हैं फिर उन्हें करेक्ट करता है तो बात कभी कभी बढ़ जाती है तो ये बढ़ गई है बात तो ऐसी बात जब बढ़ जाती है तो उसमें कई लोग घी भी डालते हैं हमारे इंडिया की सेइंग है कि घी डाल दो थोड़ा और तो वो फिर घी और भड़क जाता है तो हम ऐसे काम नहीं करते कोशिश करते हैं कि ऐसे चीज़ के अंदर आग ना डालें इसीलिए हम चाहते हैं बस कि फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे आके ये सेटल हो जाए बहुत इंडिया के अंदर चीटिंग है आपको समझना पड़ेगा वही मोदी जी सारी चीटिंग रोकने की ट्राई करते हैं तो एक ट्रक है 35 टन का आता है और वहाँ जैसे गवर्नमेंट के गोडाउन में जाता है तो 50 टन हो जाता है फार्मा के लिए 30 टन मिलता है 20 टन कहाँ जाता है वो कोशिश है ये जो गुल हो जाता है माल उसको रोकने की तो आपको समझना पड़ेगा लास्ट ईयर बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट बिग बॉस चला है सिद्धार्थ और सना ने और बाकी सब ने जितने भी लोग थे आई थिंक बहुत सुपर हिट सीजन 13 दिया और बहुत लंबा खींच दिया बिग बॉस की यानी कैश बैंक बहुत बढ़ रहा था उनको दिल कर रहा था ख़त्म ही ना हो 5-6 महीने लगा दिए तो उसके बाद फिर से बिग बॉस आना एक बहुत ही हार्ड चीज़ थी लेकिन वो सिद्धार्थ को वापस ले आए गौहर और हीना को लाए तो स्टार्ट अच्छा हो गया पर उसके बाद ये लोग आई थिंक थोड़ा सा भटक गए भाग गए कुछ अलग ही टाइप का बिग बॉस चला रहे हैं तो मेरे जैसा आदमी भी देख नहीं पा रहा और दिल नहीं कर रहा कि बिग बॉस देखना ही है
मैंने हमेशा जिंदगी में बिग बॉस ऐसे देखा है कि एक भी एपिसोड छोड़ता नहीं, पर इस बार दे फेल्ड अकॉर्डिंग टू मी. लेकिन क्या रॉन्ग हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, आई डोंट नो. जो टीम है वो तो वही आंसर कर सकती है, दे शुड बी सैक्ड, जिसने भी ये साल का बिग बॉस चलाया है. हम भाई देखो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारे तरफ से. कभी अयोध्या जाके रामलीला कभी कर, कुछ ना कुछ चलता रहता है. जब ऊपर वाला जो काम देता है हम लोग तो कर लेते हैं. पर अभी फिलहाल तो बीवी का है, सब लोगों को नेल पॉलिश लगाती जा रही है, ब्लू स्काई करती जा रही है. और पिछले चल रही है दो पंजाबी, एक नानक नाम जहाज है और एक निडर, तो दो ये पिक्चर चल रही है. एक हिंदी पिक्चर भी करने जा रहे हैं अभी, एक कल परसों में मेरा वो आएगा क्या उसको सावधान इंडिया. तो कुछ ना कुछ चलता रहता है. जी मेरे ऊपर लाइट हो रही है, सही बात है. सबसे पहली बात तो मैं आज ये बोल रहा था डायरेक्टर से हमारे नितिन जी से, जिनके साथ मैंने भी एक फिल्म करी, एलएसी अभी आने वाली है, कि मैं इतने समय बाद एक थिएटर में बैठ के कुछ देख रहा हूँ कि उसका प्लेजर अलग है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग द ट्रेलर आई सॉ सयोनी का, इट्स वेरी नाइस, इट्स एक्शन पैक्ड, इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल शॉट एक्सपेंसिव फिल्म, एंड मुझे लगता है इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मसाला ब्लॉकबस्टर फिल्म दैट्स गोइंग टू कम आउट. सो या आई विश देम ऑल द बेस्ट. बहुत मैं बचपन में मतलब स्कूल टाइम पे बहुत सुनता था, और अब उसका जो ये नया वर्जन सुना ये भी बहुत हिट होने वाला है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीट फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द डायरेक्टर द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस फिल्म, कि उनको इतना अच्छा गाना इस फिल्म में डालने को मिला. एंड जो टाइटल सॉन्ग है दैट सच अ सॉन्ग विच इज एनी वे अ हिट विद द ऑडियंस, एंड इट्स गोइंग टू bring back a lot of memories for a lot of people. ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार ऑफकोर्स आई अंडरस्टैंड पैंडेमिक है, चीज़ें अभी बहुत कंट्रोल में नहीं आई हैं, वैक्सीन्स अभी नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं लाइक मास्क एंड सैनिटाइज करके अपने हाथों को, एंड सिनेमा हॉल भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज करके वापस उन्होंने खोला है अपने बिजनेस को. सो प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म्स एंड सपोर्ट सिनेमा हॉल्स, बिकॉज अगर हम सपोर्ट आज नहीं करेंगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे, और जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तब शायद हमें वो प्लेजर्स ऑफ लाइफ जो अभी मिलते थे पहले वो नहीं मिलेंगे. सो प्लीज़ सपोर्ट द सिनेमाज, एंड जो थिएट्रिकल रिलीज होती है फिल्मों की लाइक सयोनी की जो होने वाली है, सपोर्ट दैट, गो एंड वॉच द फिल्म इन अ थिएटर, एंड जस्ट मेक इट अ सुपर हिट. थैंक यू. Alright. Basically, he shot the last thing. He said he'll stay back for 4-5 days. And then on 24th, 25th was his off. And they went for CT scan and whatever. No, we'll do what? Of course, I got it. Yes, ready, ready. Hi everyone, I'm the director of Sayonee. Hindi mein bolun ki English mein? Okay, so I am the director of Sayonee. And aapne trailer dekha, aapko bahut pasand aaya hoga. Aur abhi last month, main aur meri team, mere actors Vishal, inhone PPL Live, Jolly LLB, Pirengi, kaafi movies mein kaam kiya hai, aur Nishant. He's just out of Big Boss, and of course he's very famous. And ये हमारी acting team थी, और हमारे साथ राहुल रॉय सर भी थे. और आप सबने न्यूज़ सुना होगा कि LAC की शूटिंग के दौरान राहुल रॉय को स्ट्रोक आया था. तो इट वॉज ड्यूरिंग आवर शूट, एंड जस्ट बिफोर LAC का शूट हम सयोनी का टीज़र लॉन्च किए थे. हमने अरिजीत सिंह का गाना लॉन्च किया था, राहुल सर हमारे साथ उन्होंने इंटरव्यू दिए थे और एकदम परफेक्ट हेल्थ में थे. एंड हमने कहा था कि LAC के बाद आके हम फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे. अनफॉर्चुनेटली आज ट्रेलर लॉन्च का दिन है, और राहुल सर जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म के,
उनका नया लुक है, उनका यूनिक कमबैक विलेन रोल है, वो आज यहाँ पे नहीं है। Amazing, yes. बहुत ही अलग लुक है राहुल सर का, और मैंने जैसे ही ट्रेलर देखा आई टोल्ड नितिन सर कि माय गॉड ही इज लुकिंग सो ऑसम, मतलब लग रहा है कि एक रशिया में एक इंडियन मिक्स ब्रीड का कोई यू नो प्रॉपर विलेनिश रोल है, एंड द हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग ऑसम किक एस। थैंक यू। तो उनका रोल हमने उनके रियल लाइफ से बहुत ही अलग रखा है, कोकिंग स्मोकिंग वुमनाइजर विलेन शूटर, ही इज अ करप्ट रशियन कॉप, उनका नाम है अरसान। सो We wanted to reveal his look today. आज हम चाह रहे थे कि वो उस लुक में आए, bleached hair, braided look, but unfortunately LAC की शूट में कुछ ऐसा हुआ, 23rd को उनका लास्ट डे था शूट का, 23 नवंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं कुछ 4-5 दिन वहाँ पे रुकना चाहता हूँ छुट्टी पे और वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। एक केवल राहुल रॉय ऐसे इंसान है जो -20 डिग्री वेदर को कह सकते हैं कि मैं वेदर एंजॉय करना चाहता हूँ। तो उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने विशाल और राहुल सर का ऑफ था, विशाल को उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, विशाल उनको सीटी स्कैन के लिए लेके गए, और 25th को मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मैंने अपने डॉक्टर फ्रेंड्स KM के सबसे कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि उनको तुरंत मुंबई एयरलिफ्ट किया जाए। तो वहाँ के DM से बसीर सर से हमने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने तुरंत हेलीकॉप्टर अरेंज किया और उन्हें मुंबई लाया गया, नानावटी में एडमिट किया गया, और मालूम पड़ा कि उनको एक माइक्रो इन्फार्क्ट है, बहुत छोटा सा इन्फार्क्ट, ब्लड सप्लाई ब्रेन की रुक गई है, जिसके कारण चल फिर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन स्पीच में उनको ज़रा सा प्रॉब्लम था। आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आज का दिन सभी के लिए बहुत बड़ा है, तन्मय के लिए तो बहुत ही बड़ा है, हम सभी के लिए बहुत बड़ा है, नितिन कुमार गुप्ता जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है, और राहुल रॉय जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, उनका एक तरीके से बहुत अच्छा कमबैक है, उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, हमेशा अपने बालों की वजह से और एक्टिंग की वजह से जाने गए, तो इसमें जो बालों का यूनिक स्टाइल तो आज वो होते तो बड़ा अच्छा होता। एंड दो दिन तीन दिन जो राहुल रॉय की उनके साथ जो हुआ, उनकी जो तबीयत ख़राब हुई ग्रेजुअली, और जैसे हमने समझा कि उनके साथ क्या हुआ, बड़े वो उन्हें देखना उस वक्त बड़ा कष्टदायक था, और बड़ा इतना जुड़ाव, और उनके सभी फैंस के लिए भी वो चीज़ें कष्टदायक थी, लेकिन क्योंकि हमारे डायरेक्टर एक डॉक्टर भी हैं तो बहुत जल्दी उन्होंने चीज़ों को गेज किया, पकड़ा और बहुत जल्दी क्विक एक्शन लिया, और उसका फ़ायदा ये मिला कि आज वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से यहाँ पे। ये गुड न्यूज़ है, एक्सक्लूसिव मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह 10 बजे नानावटी हॉस्पिटल से राहुल सर डिस्चार्ज हो गए हैं, ही इज़ डूइंग वेल, ही इज़ स्पीकिंग वेल हिज थिंग, एंड अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद उनको यहाँ पे लेके आता, बट एज अ डॉक्टर आई वुड आस्क हिम टू रिलैक्स फॉर 1 वीक मोर। So I think we should give a hand of applause for his brave Mr. Rahul Roy. And I think in the next interview, hum unko film ke look mein lekar aayenge. And Nishant ji, jaisa ki abhi abhi aap Big Boss ki duniya se bahar aaye, to thoda sa batana chahenge ki kaisa raha experience, and kuch kehna chahenge aap? Us ghar mein aisa hota hai ki aap bahar ki duniya ko bhool jate ho, kyunki kahin na kahin aap itna disconnected hote ho, आपके पास ना फ़ोन होते हैं ना बाहर की दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट होता है, कि आपको लगता है दुनिया वही है और उसी में जो आपकी लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप उसी को दुनिया समझना शुरू कर देते हो। वहाँ से बाहर आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है, एक चैन की सांस आप लेते हो कि हाँ, नॉर्मल दुनिया ऐसी नहीं होती है, नॉर्मल दुनिया ऐसी होती है। और आज मैं नितिन सर को कह रहा था कि यहाँ पर इस थिएटर में बैठ के एक फिल्म का प्रिव्यू देख पाना इज सच अ प्लेजर जो अब मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज पहली बात मैं नॉर्मल दुनिया से काफ़ी डिस्कनेक्टेड था, दूसरा थिएटर में बैठ के मैं शायद एक साल बाद ऑलमोस्ट देख रहा हूँ कुछ, तो ये बहुत ही एक प्लेजर वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एंड आई टोटली अग्री विथ सर कि आज राहुल रॉय हमारे साथ यहाँ होते अगर इंटरव्यू में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट द गुड थिंग टू फोकस ऑन इज दैट वो हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं, उनकी स्पीच थेरेपी चल रही है, ही इज़ गोइंग टू बी बैक ऑन हिज फीट वेरी क्विकली एंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रेजेंट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। मैं फॉलो जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि लाइक यू नो हम लोग पिछले महीने शूट कर रहे थे कारगिल में, तो वहाँ बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा था देखने का, वापस आने के बाद भी मैं कुछ स्निपेट्स देख पाता हूँ, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैं लोगों के साथ समय बिता चुका हूँ, उनको करीब से जान चुका हूँ, तो इस तरह से एक दूसरे को टॉर्चर करके मैं उनको देखना पसंद नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं प्रोएक्टिवली देखना छोड़ दिया। हाँ, न्यू एंट्री हुई है, कुछ मंजवे खिलाड़ी वापस आए हैं, जिन अब जो खुद अपना सीजन तो खेल ही चुके हैं और एग्जिस्टिंग सीजन को भी पूरा देखकर वापस आए हैं इस सीजन में खेलने के लिए,
तो आई थिंक जो एग्जिस्टिंग हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए काफी मुश्किल पैदा करेंगे। फाइनली फिल्म जो है सिनेमा घर में सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्म देखने का जो प्लेजर होता है वो बिल्कुल भी फोन पे या टीवी पे नहीं आ सकता। इसीलिए मेरा मानना ये है कि अगर सयोनी रिलीज हो रही है सिनेमा हॉल में तो सभी ऑडियंस से मैं ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज टिकट खरीदें और सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखें, ताकि सिनेमा हॉल का बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस जो होना चाहिए वो हो, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें ऐसी अच्छी फिल्में बनाना और सिनेमा हॉल में रिलीज कर पाना। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती किसी भी डायरेक्टर के लिए कि उनकी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। फिर भी अभी सिनेरियो बहुत अलग है, कोविड इज स्टिल एन एक्टिव डिजीज एंड मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप टिकट खरीद के फिल्म देखिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहने रखिए। यू विल बी परफेक्ट एंड द मूवी इज रॉकिंग, प्लीज वॉच इट। यही होता है जब डायरेक्टर डॉक्टर भी होते हैं, ऐसी सलाह देते हैं वो अपनी फिल्म के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को और बड़ी हिम्मत दिखाई फिल्म बनाने से लेकर के उसको। विशाल इस फिल्म के राइटर भी हैं, सही होने के और एलएसी के एक्टर भी हैं। एक्टर पहले बाय डिफॉल्ट इन्होंने राइटिंग करवा ली, ये टैलेंट इन्होंने ही पहचाना। सो लकी मोरानी जी जो फिल्म को प्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ लेके आ रही हैं आगे, जैसा कि आप सब बोल रहे हैं कोविड टाइम्स वगैरह, बड़ी हिम्मत दिखा रही हैं। तो पहली बार हम तो देख रहे हैं उन्हें मिले, हम तो बड़ा नाम सुनते थे, एकदम आयरन लेडी है, इतना हिम्मत दिखाना न्यू कमर के साथ फिल्म को ऐसे टाइम पे लेकर के आना, शी इज़ अ ट्रू बिजनेस वूमन आई थिंक, उस सिनेमा को समझना और बहुत बड़ी बड़ा अच्छा लगा देख के। और नितिन कुमार गुप्ता ने तो बड़ी मेहनत करी है फिल्म में, आप फिल्म देख के ट्रेलर देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। और आज जिस तरह के मेन एक बेसिक बात ये कहना चाहूँगा ऑडियंस से, जो कहते हैं कि आप जाइए फिल्म देखिए, तो जाना फिल्म देखना तो ऑडियंस के ऊपर। एक बहुत बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े, कई पीढ़ियों से हैं इस इंडस्ट्री में, वो अपने बेटे को बोलते हैं कि अगर फिल्म खराब है और एक किलो बादाम देके भी ऑडियंस को बिठा दोगे तो नहीं देखेगा। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा जाइए देखिए, वोट नहीं ले रहे, इतना ज़रूर कहूँगा कि ये फिल्म में मैं राइटर रहा हूँ, ये फिल्म मैंने देखी है, बनते हुए देखी और आज जब बन चुकी है तो भी मैंने देखी है। आपको एक चीज़ बताऊँ, आज की ऑडियंस बहुत का उसका विज़न बहुत बड़ा है, इधर हॉलीवुड देखता है, इधर बॉलीवुड देखता है, वो सब देखता है। तो ये फिल्म जो है आज आपके इंटरनेशनल विजन में, इंटरनेशनल प्लेटर में जो आपके मेन्यू में चीज़ें पड़ी हैं डिशेस, उसको मैच करती है फिल्म एंड यू सी इट कि ये फिल्म क्या है। और ट्रेलर देख के भी ऐसा ही लगता है, एक बहुत ही हॉलीवुड फील भी है जो रशियन पार्ट्स हैं मतलब फिल्म के, वो मुझे देखकर मैंने आई टोल्ड नितिन सर, ये एक अलग वर्ल्ड समझ में आता है, एक इंडियन वर्ल्ड समझ में आ रहा है और एक अलग हॉलीवुड वर्ल्ड। ये इनकी कई एक फिल्में बन चुकी हैं, कई फिल्में फ्लोर पर, बहुत फास्ट काम करते हैं नितिन कुमार गुप्ता। इनकी पहली रिलीज फिल्म है जिसके लिए लकी मोरानी जी बहुत जिम्मेदार हैं, उनका थैंक यू है। और इनको मैं टाइटल देता हूँ आज पूरी मीडिया के सामने, ये बड़े उग्रवादी डायरेक्टर हैं, उग्रवादी डायरेक्टर। यस, आने वाले समय में जब स्टार्स काम करेंगे तो कहेंगे कि पहला विशाल ओम प्रकाश ने कहा था बड़े उग्रवादी डायरेक्टर, वेरी एग्रेसिव, ही कैन डू एवरीथिंग, फिल्म देखो पता चल जाएगा। Thank you. 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 Thank